2, sponsored by Bajaj Regal Fans, Rajay, and means the perfect pair. Take-2 का निरालापन आप सबको है पसंद. Take-2 में खेल भी है, Take-2 cars भी है, Take-2 में मौज मनाओ, Take-2 को देखते जाओ. Take-2 का निरालापन आप सबको है पसंद. Take-2 में खेल भी है, Take-2 में स्टार है, Take-2. अरे निकालो निकालो, Take-2 शुरू. इतनी देर बंद रखने का कोई अंदर इतनी गर्मी है, बाप रे. हाँ, Take-2 में आपका स्वागत है. कुनिका आपको नमस्ते कहती है. हमारी जो गेस्ट हैं आज की, उन्होंने 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. 600 कोई छोटी बात नहीं होती है. और उन्होंने हर लैंग्वेज, मतलब हिंदुस्तान में जितने लैंग्वेजेस हैं उस उनके हर लैंग्वेज में उन्होंने काम किया. आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं. उनका नाम है टैंटलाइजिंग टेम्प्टिंग जयश्री टी. जयश्री जी, थैंक यू आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला. मैं इनसे मिलवा देती हूँ. इनका छोटा सा स्पीच है, जरा सुन लीजिए आप. हेलो हेलो, Take-2 में मेरे पास आओ और खेल खेल में हारते जाओ, नहीं तो टीवी पर Take-2 देखते जाओ. अच्छा देखते जाओ. अच्छा अच्छे एक्टर हैं आप, बड़े होके अच्छे एक्टर बने. अभी तो आप बच्चन बन गए. जयश्री जी हाँ, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं. मैं इनसे मिलवाना चाहती हूँ आपको. टीम ए. माय नेम इज राजेश शाशा. करते क्या हैं आप? आई एम एन ऑडिटर विद सीए. What about you? Hello, my name is Achis Kamat. I'm studying in DJ Ruparel and my faculty is science. I'm Sandeep Sh- MBA. Hi, I'm Pawan. I'm an engineer in MBA and I'm working with CR Financial now. I'm Sri Kumar Nair. I'm a building model maker. Hello, I'm Jaideep. I finished my BCom this year. After this? I'll be doing MBA. Very good. Okay. Jaideep, आपको वहाँ उस कुर्सी पर बिठाने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी. अच्छा. आप काफी दिनों से मैंने आपको, मतलब करीब 3-4 साल हो गए हैं आपको देखा नहीं. जब से मैं आई हूँ तब से तो नहीं देखा है. तो एक बात बताइए, आप इंडस्ट्री छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ दी मैंने. ये अच्छा सवाल किया आपने. है ये जो 4 साल जो मैंने गैप किया था बीच में, उसकी एक खूबसूरत वजह. खूबसूरत वजह? हाँ जी. और ये वजह है कि पहले तो मेरी शादी हुई, वो बहुत खूबसूरत और दूसरी खूबसूरत उससे भी ज्यादा अच्छी वजह है कि मुझे बेटा हुआ. How sweet. Yeah. अभी वो 2.5 साल का है और उसका नाम स्वस्तिक है. What a nice, very nice. अच्छा आप बताइए, आपका जो नाम जयश्री टी है, उस टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है, टी से मेरा सरनेम आता है तड़पदे, लेकिन अब मेरा सरनेम है कर्नाटक की, क्योंकि अब मेरी जो शादी वो भी फिल्म डायरेक्टर है जयप्रकाश कर्नाटक. हाँ. हमारा पहला राउंड है एड का राउंड है. अच्छा. और इस राउंड में आपको इन एक एक टीम को एक प्रोडक्ट आप देंगे, उस प्रोडक्ट पर ये एड बनाएंगे. सबसे अच्छा एड जो आपको लगे उसको आप 300 पॉइंट्स देंगे. The second best will get 200 points. और तीसरा जो सबसे बेस्ट तीसरा लगेगा आपको, that will get 100 points. ठीक है? से शुरू करते हैं. आप टीम ए को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहेंगे? अरे हाँ, इससे मुझे लगता है मेरे हाथ पे लिपस्टिक लगे. क्यों ना मैं लिपस्टिक. लिपस्टिक आइए. Are you ready? Yeah. Can I have the timekeeper? Are you ready, timekeeper? Okay, start. लाली के पीछे क्या है? लाली के पीछे आखिर ये राज क्या है? लाली में होठ, हारे हाँ होठ मेरे, यह कमाल लो बोल लिपस्टिक का, लिपस्टिक का.
घर में जब लिपस्टिक आए मुख पे ये रौनक लाए पत्नी के होठ सजाए पति को रोना आए चलिए चलिए दीदी भाई आप कौन सा सबक देना चाहेंगे बीचिन को बीचिन को कफ ड्रॉप्स गले में खिंच खिंच क्या करूं वैसे भी आजकल मौसम वही है ना हाँ आई नो दिस खिचखिची मौसम इज माय टाइम कीपर रेडी ओके कैन यू स्टार्ट आ गया वॉइस ऑफ फिक्स आ गया आपकी मनचाही आवाज के लिए ये लो साइकिल की गोली ओ चाहे कोई मुझे जंगल कहे या हो ये लो मुकेश की गोली हम तो एक तूफान में हैं पले हम क्या करें चाहे कोई आज ही अपने घर वॉइस ऑफ फिक्स ले आइए और अपने मनपसंद कलाकारों को अपने भीतर ही पाइए वॉइस ऑफ फिक्स वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस दिस इज वेरी नाइस टीम सी आइए आप इनको कौन सा प्रोडक्ट देना चाहेंगे गम चिपक जाओ कौन सा गम चिपकने वाला गम या गम नहीं चिपकने वाला स्टार्ट आ गया आपके शहर में धूम मचाने रंग जमाने नया चिपकॉल अरे भाई ये चिपकॉल क्या चीज है चिपकॉल दुनिया भर में नाम कमाने के बाद हिंदुस्तान ने पहली बार सबको चिपकाने के लिए आ गया नया चिपकॉल इससे क्या लकड़ी चिपकता है इससे अच्छे अच्छे लड़कियाँ चिपक जाती है अरे भाई मुझे देख के लड़कियाँ चिपक जाती है चिपकॉल लगाओ छिपी हुई लड़कियाँ खुलेआम चिपकेगी भक्ति जवानी के लिए गिरते टूटते दिलों के लिए गिरते बालों के लिए सबको चिपकाने के लिए नया चिपकॉल वेरी नाइस बहुत क्रिएटिव टीम है हमारे पास सब टीम्स बहुत क्रिएटिव हैं वाकई आप बोलिए आपको सबसे बेस्ट ऐड कौन सा लगा सबसे बेस्ट ऐड मुझे लगा कॉफ ड्रॉप्स वेरी नाइस ओके टीम का पॉइंट सेकंड बेस्ट सेकेंड ये चिपकने वाली जो बात थी लड़कियों की वो क्या आजकल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको काफी अच्छा लग रहा है तो सेकेंड यही है ओके एंड थर्ड यू ओके सो वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक सांची में ढला रीगल फैन मजाज का निर्माण वेलकम बैक अभी जयश्री जी आप हमारे पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे एक क्वेश्चन के सही जवाब पर उनको 200 मार्क्स मिलेंगे अच्छा और जो सबसे पहले अपना वो लाइट ऑन करेंगे उनको हम क्वेश्चन का जवाब देने का चांस देंगे अच्छा आप शुरू करें क्वेश्चंस मेरी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी उसका नाम क्या था एज ए जयश्री टी एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन सॉरी नॉट जिसमें मेरा डांस था बोलिए वाज इट जंजीर नो नहीं मैं बताऊं हां बोलिए मेरी सबसे पहली फिल्म थी अभिलाषा जिसमें मीना कुमारी जी और बेबी नंदा जी हीरोइन थी और इत्तेफाक से वो मेरी एज ए डांसर के करियर की पहली फिल्म थी लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि शादीशुदा जिंदगी भी मेरी नंदा जी के घर से शुरू होगी क्योंकि बेबी नंदा मेरी ननंद है ओह यू मैरिड हर ब्रदर या देखो दिस इज इसको कहते हैं इत्तेफाक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नाम नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि एकता से जुड़ा हुआ है क्यों इसकी वजह क्या है आपने बहुत से भाषाओं की पिक्चरों में काम किया है इसीलिए वेरी गुड उसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम था वेरी वेरी इंटेलिजेंट अच्छा तीसरा ये है कि हम जैसे आप सब जानते हैं वी आर टू सिस्टर्स जयश्री टी मीना टी एक मिनट मेरा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ आपके बटन ने आप क्या बोलना चाहते हैं धीरज धीरज रखो बच्चे मैंने नाम नहीं पूछा मैंने खुद ही बता दिया तो हम दोनों में बड़ी कौन है आपकी बहन ओह यू आर वेरी राइट क्योंकि क्या वेरी गुड जयश्री जी हाँ जी आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में फिल्म्स की हैं क्योंकि अभी कह रहे थे कि नेशनल इंटीग्रेशन के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है आप हमें बताइए जरा कौन कौन सी लैंग्वेजेस में फिल्म्स की हैं
मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मारवाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी, सिंधी, बंगाली, गढ़वाली, उड़िया, असामी, हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, इंग्लिश वगैरह वगैरह वगैरह। ओह गॉड, ये सब लैंग्वेजेस आप जानते हैं? इसमें कुछ लैंग्वेजेस मैं जानती हूँ, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में एज ए हीरोइन मैंने काम किया है, कुछ लैंग्वेजेस में मैंने रोल्स किए, कुछ में डांसेस किए हैं, और मैंने ऐसे सुना है कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। जयश्री, जयश्री, ये पर्चियां हैं। हाँ जी, हम चाहेंगे कि आप ये पर्चियां एक एक टीम को बांट दें, वो खुद अपने अपना चूज कर लेंगे। जरूर जरूर। आप और जिनके पास नंबर वन पर्ची होगा उनको 30 सेकंड में अपने इस मॉन्स्टर पर पॉइंट्स बिट करेंगे। वो ये जो है लॉन्ग शॉट यानी लेग्स और हैंड्स, इसके लिए 100 पॉइंट्स हैं। ये जो मीडियम शॉट्स हैं यानी कि इधर ये मीडियम शॉट्स, इसके 200 पॉइंट्स। क्लोज अप यानी कि ये फेस, हमारी ये फिल्मी लैंग्वेज है, क्लोज अप वगैरह, क्लोज अप पे आपको मिलेंगे 300 पॉइंट्स। एक्सट्रीम क्लोज अप यानी आईज, माउथ, इसका नाक तो है नहीं, खैर इस पे आपको मिलेंगे 500 पॉइंट्स। और ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्लोज अप यानी इनका जो दिल है, इसको अगर आपने जीत लिया तो आपको 800 पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर वन किसके हाथ में है? आइए चलो, इनको 30 सेकंड्स दिया जाता है, और 30 सेकंड में आप कितने पॉइंट्स बनाएंगे? 2500। ओके माय टाइम कीपर, स्टार्ट। 2600। आपके पास है? आइए, इनको 25 सेकंड दिया जाता है, 25 सेकंड में आप कितने पॉइंट्स बनाएंगे? बरखुरदार 2000। स्टार्ट। कितना हुआ? 2900। वेरी गुड। आप कितने पॉइंट बनाए? 2500। अरे क्या शेर दिल इंसान है, बहुत ही बड़ा। वेरी गुड। इन 20 सेकंड, यू नो, वेरी गुड, बहुत बहुत ही मजबूत दिल है आपका। चलिए शुरू हो जाइए, स्टार्ट। आपकी बारी है। मेरी? आइए। ओहो, आप कितने पॉइंट्स बनाएंगे? मैं तो सिर्फ दिल जीतना चाहूंगी। मैं सिर्फ डांस कर सकती हूँ फास्ट, ये नहीं। ओके, 30 सेकंड्स में आप 1000 पॉइंट्स मिनिमम बनाएंगे। आई ट्राई। स्टार्ट।
दिल जीत के दिखाई दिया इन्होंने। अगर मैं दिल नहीं जीतू तो आपका कैसा जीतते दिल में। अच्छा फिर भी कोई बात नहीं, आपने उनका दिल जीता, उस मॉन्स्टर का दिल जीता, मेरा दिल भी जीता। आप जयप्रकाश जी के लिए गाना गा दीजिए। चलिए यहाँ भी मैं कोशिश करती हूँ गाने की, क्योंकि आपने कहा जयप्रकाश जी के लिए तो आपको गाना ही पड़ेगा। अच्छा उनको याद करके गाना गाती हूँ। थैंक यू। प्यार करती हूँ उनको, देख लो सुन लो। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह, हमने आपको ब्रेक में कुछ पर्चियां बांटी थी, नहीं मतलब डायरेक्टर साहब ने बांटी थी। नंबर वन पर्ची किसके पास है, आइए, आपको 30 सेकंड में ये मेकअप करना है। ओके, आर यू रेडी? या स्टार्ट। अच्छा नंबर दो की पर्ची किसके पास है, आइए, आपको 25 सेकंड दिया जाता है ये मेकअप करने के लिए। हार जाओ, हार जाओ, हार जाओ। आर यू रेडी? स्टार्ट। ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखो, दिखा दीजिए, जयश्री जी को भी दिखा दीजिए। वेरी नाइस। मैं भूखा हूँ। आपको 20 सेकंड दिया जाता है ये मेकअप करने के लिए, आप शुरू करेंगे, रेडी स्टार्ट। दोस्त को दे दो वापस। चलिए निकाल लीजिए। चलो पॉइंट्स आप माइनस कर देंगे? जरूर। 300 पॉइंट्स दे दिए आपने। ये दे देते दोस्त के लिए, इतना तो करना पड़ेगा ना। कितने अच्छे हैं आप। चलिए आप तो निकाल। अच्छा अभी हम आप लोग जयश्री जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप फिल्म लाइन में कैसे आए? फिल्म में कैसे आई? ये आपने जो सवाल किया है, बचपन में मैं एक्चुअली आई हूँ फिल्मों में। मैं बेसिकली डांसर हूँ और मैंने कथक सीखा बकायदा। तो मैं स्टेज पे जब डांस करती थी तो एक प्रोड्यूसर ने मेरा डांस देखा था और उन्होंने मुझे एक डांस ऑफर किया। वो पिक्चर थी अभिलाषा, एक्चुअली वो डांस डायरेक्टर थे हरमन जी, लेट हरमन, ही इज़ नो मोर,
ये तो उन्होंने मुझे ये पहला ब्रेक दिया था जिसकी वजह से मैं आई, उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक. वेरी गुड. आप बहुत उत्सुकता से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक डांस जो है और एक एक्टिंग जो है, इसमें से आपको कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आई थिंक बोथ. क्योंकि क्या है, डांस जो है वो सिर्फ डांस नहीं होता, उसमें आपको एक्सप्रेशंस भी देने पड़ते हैं और डांस के वजह से आपको एक्टिंग में हेल्प मिलती है. हाँ ये तो है. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप डांस की वजह से ज्यादा मोबाइल होता है. यस, मोबाइल होता है और आप उसको जाहिर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं. तो इसकी वजह से दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. So you like dancing more? Dancing as well as acting. So far I have been dancing. So now I am more concentrating on acting. So ज़्यादातर मैं acting के role कर रही हूँ ताकि लोग मुझे dancer जो मुझे समझते अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे समझे कि actor भी, actress भी अच्छी है, artist भी अच्छी. All the best. All the best. अच्छा जयश्री जी, आप जो चार साल पहले आप जो जगह छोड़कर गई थी, हाँ, कि आपको लगता है ये चार साल के बाद फिर आप उस पॉपुलैरिटी पे, उस फेम पर पहुंच सकती है? बहुत सवाल अच्छा किया आप. इतना सीरियस क्वेश्चन है. चार साल जो पहले मैं एक डांसर का जो इमेज छोड़ के गई थी, इसीलिए मैंने जब मैं कमबैक किया तो मैंने अपना इमेज चेंज करने की कोशिश की. क्योंकि आजकल जो मैं रोल कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट रोल कर रही हूँ. डांसिंग जैसे मैं कर रही हूँ एक पिक्चर में, मैं कर रही हूँ भाभी का रोल और थोड़ा उसमें कॉमेडी है. आपके वो पुराने वो जो खास पार्टनर जगदीप जी, काफी उनके साथ में आपकी ज्यादा फिल्म्स थे. वैसे खास पार्टनर वाले उनके साथ मेरे काफी पिक्चर, हां काफी फिल्म्स थे, मतलब लेकिन ये उस टाइप की कॉमेडी नहीं है. ये मैं एक फिल्म कर रही हूँ अजय देवगन के साथ, छलिया, जिसमें उनकी भाभी बनी हूँ. अच्छा. लेकिन उसमें कॉमिक एक थोड़ा सा अच्छा सा एंगल है, लेकिन अलग ढंग से है. फिर एक पिक्चर में मैं श्रीदेवी के साथ कर रही हूँ, जैसे मेरी बीवी का जवाब नहीं, उसमें मैं जासूस बनी हूँ और सारी मतलब जो भी मुझे मालूमात है वो श्रीदेवी तक पहुँचा देती हूँ. तो डिफरेंट वे में. फिर मैं किसी में थोड़ी स्टेप मदर का रोल कर रही हूँ, जो बच्चे को घर से निकाल निकाल देती हूँ, जो गालियाँ वाले खाने वाली. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट. जयश्री जी, आपसे हमारे व्यूअर्स से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब हमें जल्दी से भेज दीजिएगा. जयश्री जी क्वेश्चन पूछ लीजिए, हमारे व्यूअर्स आपको खत लिखकर जवाब देंगे. अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि बचपन में मैंने एक फिल्म की थी एज ए चाइल्ड स्टार. उस फिल्म की दो हीरोइनें थी, अमिता और अनीता गुहा. उसमें मैंने अनीता गुहा जी का बचपना किया था, चाइल्डहुड. उस फिल्म का नाम क्या था, आपको बताना है. ये पहला क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन, मैंने काफ़ी फिल्में की और काफ़ी उसमें मैंने गाने किए, मतलब मुझ पर पिक्चराइज किए हैं. मैंने उनमें से कुछ चार गाने चुने हैं. तो वो गाने हैं, एक तो सावन भादो का ए नज़र बस सैया नजरिया ना मारो, एक सरजू रानी का नथनिया ने हायराम बड़ा दुख बड़ा दीना, दुख दीना. बहुत एक, गाना है वो. मैं सुंदर हूँ नाच मेरी जान फताफत, और शर्मिली का रेशमी उजाला है. तो इन चार गानों में से मुझे सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, ये आपको बताना है. ओके, सुन लिया आपने. और हमारा पता नोट कीजिए, टेक टू, पोस्ट बॉक्स नंबर 9897, बॉम्बे 400050. आपके जो पहले 10 खत हमारे पास आएंगे सही जवाबों के साथ, उनको एक ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, एक वीडियो फिल्म जिसमें जयश्री जी का एक डांस होगा, और एक फैन लेटर मिलेगा. उसके बाद के जो 1000 खत हमारे पास आएंगे, उसके लिए आपको एक ऑटोग्राफ फोटोग्राफ मिलेगा. तो पहले 10 में आने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी. देखिए, पार्टिसिपेट करने के मतलब विदाउट इवन पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो यू आर गोइंग टू गेट सच अ लॉट. अच्छा, हमारे लास्ट प्रोग्राम में टुनटुन जी ने, कुछ पहले प्रोग्राम में टुनटुन जी ने क्वेश्चन पूछा था, एक फिल्म में मैंने महमूद को एक घूसा मारा था और वो अलमारी पर जा बैठे थे, उस फिल्म का क्या नाम था? उस फिल्म का नाम था काजल. एक साउथ की हिंदी फिल्म में मैंने हीरोइन के 6 गाने गाए थे, कौन सी फिल्म थी वो? उस फिल्म का नाम है चंद्रलेखा. अब हमारे इस बार के विनर्स तो हमें दिख रहे हैं, टीम बी. टीम बी आइए. मिलीता मिस कॉट सॉलिड स्टार गरिया, एंड देयर इज अ पर्सनालिटी ऑफ द वीक जो हम लोग चूज करते हैं. पढ़ो नाम. आप पढ़ेंगे? पवन. ये पाते हैं दो रिटर्न एयर टिकट राज एयर की. That's all right.
हमारे ड्रैकुला साहब से भी आपसे मिलकर डर नहीं लगा, अच्छा लगा. आप उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? आपके पिंजरे में कौन गया था? मेरा दोस्त गया था. हाथ मिला लो यार. Take 2 sponsored by Bajaj Regal Fans, Rajay and Texas Jeans, the perfect pair. Sponsored by Nanubhai Jewelers, Zandu Pharmaceuticals, East West Airlines, Texas Jeans, the perfect pair. And the makers of Coco Care, Rec On. निरालापन आप सबको है पसंद. टेक टू में खेल भी है, टेक टू में स्टार्स भी है, टेक टू में मौज मनाओ, टेक टू को देखते जाओ. टेक टू का निरालापन आप सबको है पसंद. टेक टू में खेल भी है, टेक टू में स्टार्स भी है, टेक टू. गुड इवनिंग, वेलकम टू टेक टू. वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू. टेक टू में हम फिर हाजिर हैं नए प्रोग्राम्स, नए गेम्स और नए स्टार के साथ. आज की जो हमारे स्टार मेहमान हैं वो मुझसे कहीं सीनियर और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कुछ 12-13 साल से इंडस्ट्री को छोड़ कर चली गई थी, अब वापस आ गई हैं. उनकी एक बहुत फेमस फिल्म है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी, वो फिल्म का नाम था बॉबी. ओके, हम अब बुलाएंगे हमारी आज की मेहमान को, जिनका नाम है सोनिया साहनी. Thank you for coming for this show. Thank you for inviting me. You're most welcome. And I want you to tell the audience that aap wapas aaye hain industry mein. Hamara industry waise bahut pyara hai. Wo aapko wapas kheench kar hi lata tha. Main gayi nahi thi kabhi. Aap nahi gayi thi? Hame aapki kai film, matlab kai saal se film nahi dekhi humne. You are right. Maine beech mein kuch saal filmon mein kaam karna chhod diya tha kyunki maine shaadi kar li thi, fir mere paas bacche hue the. To kitne bacche hain aapke? एक लड़का है मेरे पास. अच्छा, अब वो बड़ा हो गया. जी हाँ, अब उसे मम्मी की जरूरत नहीं, घर पे दूध पिलाने की जरूरत नहीं. तो अब आप वापस आएंगे. वेरी गुड, यू हैव बीन अ वेरी गुड मदर आल्सो. एनीवेज, नाउ यू आर कमिंग बैक इन अ फिल्म और इन अ सीरियल. नहीं, अभी मैं फिल्मों में भी काम शुरू करूंगी, मगर एट द मोमेंट मैं महेश भट्ट की सीरीज में काम. महेश भट्ट सीरियल, ही इज अ वेरी गुड एक्टर. जी, वेरी गुड, वेरी गुड. आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर पार्टिसिपेंट्स. टीम ए, आप अपने आप इंट्रोड्यूस कराइए. मायसेल्फ मनीष जी सचदेव, studying in SY BCom. Hello. My name is Smita Thakkar, studying in SY BCom. My name is Vikram Bagaria, I am studying commerce. My name is Sheetal Bagaria, I am doing mechanical engineering in Kolhapur. आप दोनों भाई हैं? अच्छा. My name is Shamim Kagdi, I am doing my SYJC in commerce. My name is Hafiz Kagdi and I am presently working in a private company. फिर भाई बहन, चलो कोई बात नहीं, आज तक का हो जाएगा. लेट्स बिफोर वी स्टार्ट द गेम, वुड यू लाइक टू सिट डाउन? ओके ओके. हमारा ये गेम जो है ये क्या है? पनिया भरन को चली. ये मटका नहीं है,
किसी के लिए मम्मी होगा, किसी के लिए बॉस होगा, किसी के लिए गर्लफ्रेंड होगा. सोनिया जी डिसाइड करेंगे ये कौन सी टीम को, ये कौन सा मटके के साथ. टीम ए को आप क्या बोलेंगे? आप ऐसा सोचे हैं कि ये मटका कुत्ता है. आप लोग